अस्सलाम वालेकुम जी, पहुंच गई हूं मैं लाहौर और अब रवानगी है थोड़ा सा रेस्ट करके, उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होके लोकेशन पे जाऊंगी। आज से ही इंशाल्लाह काम शुरू है, बट आज चूँकि पहला दिन है तो काम पेस नहीं पकड़ेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक थोड़ा चीज़ें स्ट्रीमलाइन में आ जाएंगी, तो कल से हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा इससे तेज़ होगा जितना आज होगा। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। किसी गाँव में शूट है, मैं तो बिल्कुल तैयारी भी नहीं कर सकी टोन की एंड ऑल दैट, सो सेट पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को पता ही है हालात क्या थे, तो हार्डली सोने का भी टाइम मिलता था, तो इस वजह से, बट अल्लाह मालिक है, यू नो वी हैव समबडी हु कैन आल्सो हेल्प मी। तो लेट्स सी, आप तक चीज़ इंशाल्लाह अच्छी पहुँचेगी, डोंट वरी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि ये जल्दी से तैयार हो और आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देखें और अपना फीडबैक दें कि कैसा लगा आप लोगों को। बट होपफुली टाइम फ्लाइज। अब देखें मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है धोखा, दो साल ढाई साल उसको लग गए, बीच बीच में स्टक होता गया किसी ना किसी वजह से, तो शूटिंग डेट्स अवेलेबल नहीं होती थी एक्टर्स की। तो उसके बाद अब चला है तो 5 days a week पे चल रहा है एंड इट्स गोइंग सो वेल। तो बस इसका भी टाइम का पता ही नहीं चलेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, गुजर जाएगा टाइम। अनिया इज़ इन द हॉस्पिटल प्रिपेयरिंग द डिस्चार्ज पेपर्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये तसल्ली थी कि आज अनिया, मैं ऑलरेडी 4 दिन डिले करा चुकी थी ये शूट, 4-5 दिन, 11th को मुझे आना था एंड 14th को मैं आ रही हूँ, तो अनिया की वजह से ज़रा रिलैक्स हो गई कि वो सारी मेडिसन्स नबीहा ईमान को या आया को समझा के उसके बाद फिर डिस्चार्ज वगैरह करा के, तो वो फिर शाम को उसकी वापसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बेटर, और कार्डियोलॉजिस्ट ने भी विज़िट कर लिया, ही ऑल्सो थॉट कि हाँ डिस्चार्ज हो जाए ठीक है, 1 हफ्ते में क्लिनिक में आके दिखा दीजिएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी सुकून है। मुझे ये डर था कि कहीं होल्ड ना कर लें उनका डिस्चार्ज और ऐसा ना हो कि रिपोर्ट्स बेहतर ना है, खुदा ना खास्ता, बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, तो शुक्र है, दैट्स अ गुड न्यूज़। आ गई मुझे, दिस इज़ द रूम, नॉट बैड। चलें जी, सोई नहीं हुई मैं बिल्कुल 2 घंटे, सोचा था जहाज़ में सोऊंगी तो एक आंटी मेरे साथ बैठ गई, मुझसे इतनी प्यार से बात कर रही थी बार बार कि मैं उनको मना नहीं कर सकी, तो हमारी अच्छी बातचीत रही। फिर मैं सोई नहीं, तो अब थोड़ा सा बस फ्रेश अप होके तो लोकेशन पे जा रहे हैं, और आई शेयर द फर्स्ट डे ऑफ शूट विद यू, टोन भी आपको सुनाऊंगी कच्ची पक्की, या जब तक पक्की हो जाएगी फिर सुनाऊंगी। यहाँ पे खैर देखी इसको ना, वो हवेली में खुलवाता हूँ, यहाँ पे ना बच्चा है संभाल ले। अच्छा इस सारा संभाल ले, अच्छा ये लेके जाएगा। अरफान पहुंच गए हैं जी, ये तो भट्टा चौक के पास एक, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जगह ढूंढी है, कोई छोटे से गांव तो नहीं कह सकते, मगर ये गटर का ढक्कन खुला क्यों है, कोई गिर बिर जाए बन। तो इट्स गोइंग टू बी टफ, आई होप द वॉशरूम्स आर गुड। मर्चा ने तुए पा दिते ने अंदर,
लेकिन मज़े की बहुत है। आलू वाली सही है, जो कबाब है ना उसमें ज़रा मिर्चें ज़्यादा हैं, उसमें मिर्चें ज़्यादा हैं। आ जाओ यार, मैंने तुम्हें उठा के ऐसे ही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, अभी लंच ब्रेक भी होना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ताई नाम ने नांटिकी नहीं, जो असली वाली नांटिकी है ना वो मिलती है कहीं और सी, ये तो वैसे मोहल्ले में जैसे आम मिलती है, लेकिन ये लाहौर की एक स्पेशलिटी है ना। जी जी, नांटिकी मतलब स्पेशल, नान पकौड़े भी, नान पकौड़े ठीक है, और मक्खियां भी नाल होनी चाहिए ताकि बंदा ये लाहौर की सौगात। ये चीज आपने ऐसे पकड़ो नीचे से, ठीक है, आप बस पकड़ के रखो, मैं खुद ही कर देता हूँ। ये सूख के सही रहेगी, अभी तो गीली गीली है। जी माला, जो नीचे आपको पुनाया उसको बोलते हैं पटका। पटका वो होता है, ये पटका तो वो होता है जो लंबा सा कपड़ा होता है, ये पटका हो सकता है। वो हम अपनी पंजाबी में भी पटका बोलते हैं ना, जैसे ये है ऐसे, वो जिसका गिरे हो पल्लू टाइप उसको भी पटका बोलते हैं, लेकिन ये शायद इस जुबान में भी इसको पटका बोलते हैं। तो ये रीज़न क्या होता है ये माला बांधने का गर्ल्स का? बाकी रीज़न ये होता है, जो सिख होती है ना ये उनकी इज्जत है, शान है, वो बाल वगैरह नहीं दिखाते। गर्ल्स में भी है जी। ये दीवारें देख के मुझे गुजरात याद आता है, और इन गलियों की फील भी वैसी ही है। हमारा गुजरात ढक्की दरवाज़ा, सब्जी है भाई ये जो सामने पड़ी थी। गाजर कैसे दिए? 120 रुपए। कल के मुकाबले में आज की एक्साइटमेंट जो है ना वो डबल ट्रिपल है। आस्क मी व्हाई, क्योंकि कल मुझे अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा डाउट था और मैं बड़ी डाउन थी, बिकॉज कैरेक्टर के लिए जितनी एक्साइटेड थी उतनी मुझे उस हवाले से किसी प्रोफेशनल से सपोर्ट नहीं मिली, बिकॉज सारे यहाँ पंजाबी थे और वो जो बारीकियाँ होती हैं सिक्स की वो मुझे नहीं सीखने को मिली। तो मैंने कल इन लोगों से बहुत कहा कि मुझे कोई चाहिए सरदार जी, या कोई चाहिए जो मुझे लैंग्वेज में हेल्प कर सके, बॉडी लैंग्वेज और डायलैक्ट में हेल्प कर सके। तो जी आज दैट समबडी इज़ हेयर। चले ना जदों है कोई खामी ना कोई कट सके, बिल्कुल पहले तो वो पटका बनेगा, उसकी पग बनेगी, और आज ज़रा कल से बेहतर होगा। तो आपको इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक अभी मैं दिखाती हूँ। तो अभी तो ये अंडरग्राउंड काम हो रहा है, अब जो कुछ होगा इसके ऊपर होगा। चुपड़ गए थे ना जी ऐसे ना,
ये देखिए अब मैंने उसको नॉर्मल कर दिया। कुड़ी ने एक दफा कहा सीगा कहंदे कि वो जिवें लोकी सारे हुसन दी तारीफ कर दे तुसीं कदे कीती नहीं। हां ए तू लिखा भी आप ही है? हां जी हां जी मेरा आप कंपोज भी आप ही कीता बस। जी 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 चल शुरू करी। पक्की तारीफ करा तेरे सोहने मुखड़े दी मैनू भुलदा नहीं कैर मथे आली बिंदी दा हो जिवें इश्क लई कुर्बान हो जांदी जिंदगी परवाने दी ओवें तेरे लेखे लग गई जिंद इस नदाने दी हो जद ख्वाब तेरे हकीकत बन गल वकड़ी लैंदे ने टक भोर के देखा मैं बांते दंदी दा की तारीफ करा तेरे सोहने मुखड़े दी मैनू भुलदा नहीं कैर मथे आली बिंदी दा मैनू भुलदा नहीं कैर मथे आली बिंदी दा। वाह एदा मतलब ब्याह होने ही आला है बस। की ले गया भाई केड़ा आ गई अंदर ले अंदर जल्दी करनी होती तुझे पहले चार दे कल की भी आज की आने नहीं सर रात को करके लाए वहां से क्या बात है भाई फैंस मट साहब के फैंस As always. बड़े अफसोस की बात है। वो डब्बे में डालने के लिए भी घंटा लगेगा। मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए थे रात को। आज जुम्मा था और ऑफ है मेरा क्योंकि वहाँ पे मॉस्क पास हैं तो वहाँ पे जुम्मे की नमाज़ें 3-4 घंटे तक उनकी आवाज़ें आती हैं तो इस वजह से साउंड का मसला होगा तो आज ऑफ किया। इसलिए मैंने सोचा था इनके साथ थोड़ा टाइम गुजारूंगी मगर ये लोग अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके हमज़ा के डैडी भी साथ आए हैं तो वो उनको जल्दी हो रही है कि वापस जाएं काम देखें ऑर्डर्स आ रहे हैं ये वो तो तिश्नगी तो है बाकी अभी क्या करें। श्री बात है मेरा स्लीपी हेड दोबारा मिलते ले लिया कांटा ले लिया